कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं और वो चैप्टर है बैंकिंग। तो यहाँ टेंथ क्लास में बैंकिंग स्टार्ट ही हुआ है स्टूडेंट, ये प्रीवियस क्लास में नहीं था। अब बैंकिंग है क्या, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ें तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ इंट्रोडक्शन, द बिजनेस ऑफ रिसीविंग सेफगार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। ओके, यहां हम क्या देखें स्टूडेंट, द बिजनेस ऑफ रिसीविंग सेफगार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। यहाँ आप देखें कि कोई भी पर्सन जो है अगर अर्निंग है तो हर लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं स्टूडेंट, तो सेव कर करके वो बैंक में जमा करते हैं। यानी यहाँ क्या हुआ कि बैंक जो है वो रिसीव करता है, और हम वहाँ क्यों जमा करते हैं, ताकि हमारा जो मनी है वो सेफ रहे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, सेफ रहने के साथ साथ बैंक जो है जितना भी आप डिपॉजिट करते हो उस पर कुछ अलग से ऐड करके देती है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और इस वजह से हम अपने सेविंग मनी को बैंक में जमा करते हैं। तो यहाँ बैंक क्या हो गया स्टूडेंट, बिजनेस ऑफ रिसीविंग सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। और कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक से लोन लेते हैं, अपने किसी भी बड़े काम के लिए, बिजनेस के लिए, या कोई भी अदर एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हम देखें कि ये था हमारा कि बैंकिंग है क्या। अब क्या है कि बैंकिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट सेकेंड टॉपिक हो गया स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो यहां पर दो तरह का अकाउंट्स होता है स्टूडेंट, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिटेड अकाउंट। अब यहां सेविंग अकाउंट क्या है, पहले दो तीन साल पहले हमारे सिलेबस में, आईसीएसई के सिलेबस में सेविंग अकाउंट था, लेकिन अभी हमारा उस सिलेबस से हट गया है। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट टाइप है सेविंग अकाउंट और दूसरा है स्टूडेंट रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब यहां पर रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है इसको हम यहां समझेंगे, क्योंकि तो अभी हमें इसमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। अब रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है कि हर लोग, जैसे आपको ये फिक्स करना होता है कि हम कितना जमा करते हैं, वो अमाउंट 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो भी अमाउंट डिपॉजिटर जो है फिक्स करता है, डिपॉजिटर मीन्स जो पैसा जमा करने वाला है, तो वो फिक्स करता है कि मुझे हर मंथ में 1000 रुपये जमा करना है, या जो भी उसकी इच्छा हो। तो अगर 1000 आप जमा करते हो तो हर महीने में आपको 1000 जमा करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी महीने में 3000 जाके जमा कर दिए, किसी में 1000 जमा किए, किसी मंथ में छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें अगर आप स्टार्ट किए हो रेकरिंग डिपॉजिट में, तो जितना आप डिसाइड करोगे उतना हर मंथ में आपको जमा करना होगा, ठीक है। अब यहाँ हर मंथ में जब जमा कर रहे हैं तो कितना दिन तक जमा करेंगे भाई, ये भी तो फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि एक फिक्स पीरियड होता है ना, कि 2 ईयर्स तक हो, 3 ईयर हो, या 4 ईयर हो, या 10 ईयर हो, तो फिक्स पीरियड होता है, और उस पीरियड को बोला जाता है मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो जब वो पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे 1000 तक जमा किए पर मंथ, अब क्या है ये, अगर हम 2 ईयर्स तक जमा किए, तो एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, यहाँ ईयर में नहीं निकाला जाता है, जो भी ईयर होगा उसको पहले आप मंथ में कन्वर्ट करोगे। जैसे 2 ईयर दे दिया तो आपको ईयर नहीं लेना है, क्या लेना होगा,
टू ईयर में कितना मंथ्स हो जाएगा, 24 मंथ्स। तो अगर वन मंथ में हम 1000 जमा किए तो 24 मंथ्स में स्टूडेंट कितना जमा किए, 24,000। तो यहाँ यही चीज ध्यान देना होता है कि जो भी हमारा टाइम दिया है उसको मंथ में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ कि हाँ जो भी फिक्स टाइम हुआ, जो फिक्स्ड पीरियड हुआ उसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। अब है कि जब पीरियड कंप्लीट होता है तो जो डिपॉजिटर है उसको पैसा मिलता है, उसको जो सम मिलता है, जो अमाउंट मिलता है वो क्या मिलता है स्टूडेंट, तो जितना वो जमा किया, ठीक है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि बैंक को आप जमा किए हो, और उसकी उस पर कितना इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट इंक्लूड करके बैंक आपको देती है, और उसी अमाउंट को बोला जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हम ये देखे कि सेविंग अकाउंट तो हमारे सिलेबस में नहीं था, रेकरिंग क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट क्या है वो आप यहाँ समझे। अब यहाँ पर हम देख लिए, अब इसमें कुछ टॉपिक और भी है, जैसे हम अभी आपको बताया मैच्योरिटी वैल्यू है ना, इंटरेस्ट है, तो इसका भी तो निकालने का कुछ ना कुछ तरीका होगा ना। तो इसके लिए और कौन कौन सा स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना होगा उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर वन मंथ। अब यहां लिखे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर वन मंथ, ये क्या है स्टूडेंट, यहां हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट प्रिंसिपल से हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट में क्या करते थे, पी आर टी बाई 100। तो यहां जो पी है, जो सम है उसका, उसको हम इस चीज से डिनोट करते हैं, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर वन मंथ, यानी जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो पी के जगह जो हम लेते हैं वो यहाँ पर हमारा ये सम हो गया, ठीक है। ये सम क्या है, पी फॉर जो हर मंथ में जमा किए, पर मंथ में जो हम जमा किए वो हो गया पी, एंड क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मंथ्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये टी, तो ये हो टू, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर वन मंथ। अब है कि अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट के लिए आपको देखो, इंटरेस्ट हाँ, अब यहां देखिए यहाँ क्या लिखे, हम अभी जस्ट बताए कि इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो फॉर वन मंथ जो लिखे हैं स्टूडेंट वो है क्या, ये सम हो गया, तो ये यहाँ देखो पी एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये पार्ट हो गया, यहाँ 12 लिखे हैं। तो अभी आपको बताए कि यहाँ जो इंटरेस्ट है वो मंथ में लिया जाता है ना, तो यहाँ हम जब भी टाइम लेंगे स्टूडेंट तो 1/12, तो इसलिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो P हो गया, R हो गया, टाइम हो गया 1/12 और 100, तो हो गया ना इंटरेस्ट। तो यहाँ था ये, यह हमारा इंटरेस्ट निकला। अब इंटरेस्ट के बाद हम देखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, जो अमाउंट हमको मिलता है स्टूडेंट उसको हम थोड़ा देख लें। अभी हम इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट के बाद एक टॉपिक है मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू स्टूडेंट क्या है उसको देखा जाए, मैच्योरिटी वैल्यू, तो अभी आपको बताएं मैच्योरिटी वैल्यू क्या था, जब जो फिक्स जो टाइम था, फिक्स जो पीरियड था वो जब खत्म होता है और तो डिपॉजिटर को जो अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को बोला जाता है स्टूडेंट मैच्योरिटी वैल्यू। अब यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू है क्या, टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां देखो टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, तो जैसे हम अभी एक एग्जांपल दिए थे कि पर मंथ अगर हम 1000 जमा कर रहे हैं और 24 मंथ तक जमा किए थे तो कितना हो गया 24,000। तो यहाँ पर जैसे यहाँ हम ले लेते हैं सम को लिए, अगर पी मंथली डिपॉजिटेड अमाउंट हम पी लिए और एन हो गया नंबर ऑफ मंथ्स यानी पी एन, तो इतना हम जमा किए प्लस और प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा हो गया मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, अब यहाँ है कि जब मैच्योरिटी वैल्यू निकालना होता है तो पी एन हो गया और इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हम जस्ट बताए हैं आपको, ये था हमारा इंटरेस्ट जिसमें इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर वन मंथ बताए, फिर इंटरेस्ट बताए, तो यहाँ क्या हो गया पी एन यानी कितना जमा किया था और प्लस इंटरेस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा तो ये मैच्योरिटी वैल्यू।
तो कभी मैच्योरिटी वैल्यू निकालना होगा स्टूडेंट, कभी इंटरेस्ट निकालना होगा, कभी टाइम निकालना होगा, तो जो भी निकालना होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं एक एग्जांपल लिख रखी हूँ स्टूडेंट, इसको देखा जाए कि ये क्या कह रहा है और इसमें क्या फाइंड करना है, इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मिस्टर गुप्ता ओपन ए रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपोजिटेड 2500 पर मंथ। अब यहाँ देखो कि मंथली डिपोजिट अमाउंट कितना है 2500, तो यहाँ लिखोगे मंथली डिपोजिट अमाउंट ₹2500, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर टू इयर्स, टाइम कितना है टू इयर्स, तो अभी क्या सीखा है कि उसको मंथ में कन्वर्ट कर देना है, तो यहां हो जाएगा टाइम जो है हमारा हो जाएगा 2 × 12, वन ईयर में 12 मंथ, तो टू ईयर में इतना मंथ्स हो गया, यानी कि 24 मंथ्स। अब आप देखो, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500, उसको एज ए मैच्योरिटी कितना मिला स्टूडेंट, यानी मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल गया 67,500। ये गिवन कंडीशन था जिसको हम यहां लिखे। अब आप देखो इसमें फाइंड क्या करना है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता को टोटल कितना इंटरेस्ट मिला। तो आप यहां देखो, वो इंटरेस्ट के साथ इतना है, अभी बताया था मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, तो पीएन प्लस आई, यानी कितना जमा किया था वो प्लस इंटरेस्ट। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं, जैसे मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या था, पी प्लस जो जितना जमा किया है ना, जितना डिपोजिटेड अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट, पूरा लिखो इसको, जैसे पीएन प्लस आई इतना किया था। अब आप यहां देखो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है ना, और कितना जमा किया था उसको आप निकाल सकते हो, और इंटरेस्ट, तो आपको निकालना क्या है यहां पर स्टूडेंट, इंटरेस्ट निकालना है। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी मैच्योरिटी वैल्यू, और क्या हो जाएगा इसको इधर ले आओ, पी इंटू एन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अब मैच्योरिटी वैल्यू आपका कितना है 67500 माइनस, अब आप देखो यहां पर एक महीने में, वन मंथ में 2500 जमा किया है, तो 24 मंथ्स में कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा स्टूडेंट, यहां हो गया आपका एक, ठीक है। तो आप यहां देखो कि इतना वो टोटल उसको मिला था एज ए मैच्योरिटी वैल्यू, और इतना वो टोटल जमा किया, ये जमा क्या किया था, तो पी हो गया यहां पर हमारा 2500, ठीक है, और एन कितना था 24, है ना, इसको फिर से लिख देते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू है इतना, और पी है हमारा 2500 इंटू नंबर ऑफ मंथ है 24, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट इतना। अब यहां आप देखो कि इसको जब माइनस करोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपका इंटरेस्ट आ गया, जो फॉर्मूला आपको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू टोटल डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को बना दिया सब्जेक्ट क्योंकि ये दोनों हम लोग को पता था, तो इंटरेस्ट निकल गया। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अभी लिखे थे है ना, फिर से हम एक बार लिख दिए, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। इंटरेस्ट आप निकाल चुके हो कितना है 7500, इसको आप यहां लिख दो, टोटल डिपॉजिट जो हमारा हर मंथ में जमा हुआ है इसको लिख लिए, पी एन कितना है मेरा, एन कितना है 24, और एन प्लस 1 25 हो जाएगा, रेट आपको नहीं पता है इसको आप ऐसे ही छोड़ो, रेट नहीं पता। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप देखें ये 20 कैंसिल है ना, 12 2 24, ये 2 और 2 कैंसिल, यानी हो गया 1 आया स्टूडेंट, ठीक है। अब रेट को सब्जेक्ट बना लीजिए,
कैंसिल करिए, ये क्या आ गया 12%। ठीक है, तो आप देखिए बस कूल माइंड होकर के इसको देखना है कितना आसानी से मेरा इंटरेस्ट निकल गया, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता था तो इंटरेस्ट पर हम डाल दिए, उस फॉर्मूले पे वैल्यू जितना पता था डाल दिए, आर नहीं पता था, सॉल्व करते चले गए स्टूडेंट, आसानी से मेरा रेट आ गया। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, बस टॉपिक सबको ध्यान रखना है। और अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाते हैं आपको। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज रुपीज इतना, इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 400 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड फाइंड द टाइम ऑफ दिस आरडी अकाउंट। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, ओके, इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा, यहाँ शॉर्ट फॉर्म है आरडी। अब इसको सॉल्व करते हैं, गिवन क्या क्या है, तो आप देखो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट है 400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ठीक है, अब यहां देखेंगे जब मंथली इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है तो हम मंथली इंस्टॉलमेंट वाला ही फॉर्मूला डाल देते हैं स्टूडेंट, कि मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या करना था। अब आप देखो मंथली ये मैच्योरिटी वैल्यू में क्या करना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जब गिवन है तो हम इसी का फॉर्मूला डालते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू में क्या सिखाए थे, पीएम यानी टोटल डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, प्लस तो यहां आप देखिए हम क्या बताए थे, टोटल डिपॉजिट अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट, ये है मैच्योरिटी वैल्यू। बस फॉर्मूले पे जो जो गिवन है बस पुट कर देंगे और हम सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू यहां दिया हुआ है, रुपीस इज इक्वल टू पी, पी कितना है, मंथली डिपॉजिट कितना है 400, नंबर ऑफ मंथ्स आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है यानी एन निकालना है। तो यहां पर आप इसको तो लिख दोगे 400, एन आपको नहीं पता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, रेट आपका दिया हुआ है 8%, अब यहां करना क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी स्टूडेंट बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो वैसा करने पर जो हमारा सॉल्यूशन है काफी टफ हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, पहले इस पार्ट को, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, 400 इंटू एन होगा, 400 हो गया प्रिंसिपल इंटू एन प्लस। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं ताकि सॉल्यूशन मेरा आसान हो जाए, करते हैं इसको, अब इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे ही करते जाते हैं सॉल्व। यहां क्या पट बचा, अब देखिए अब यहां पर सिंपल हो गया, अब करेंगे इस टाइप इस जो टर्म में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ये सॉल्व ऐसे सॉल्व करते चले जाइए स्टूडेंट, यहां हो गया 1200 एन प्लस, यहां करोगे आप ब्रैकेट ओपन करोगे 4n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, अरेंज कर देंगे थोड़ा, ये आया, अब इसको कर देते हैं सॉल्व करते जाइए, अब
हम देखते हैं यहाँ पर इसमें भी फोर है, इसमें भी फोर है, इसमें भी फोर है, तो हम देख रहे हैं कि ईच टर्म के साथ फोर है, तो ईच फोर को आप कॉमन ले लो या ईच टर्म डिवाइडेड बाय फोर कर दो, तो अब आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट। अब अगर हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या इसका होगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है जो कि अभी हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन एट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़े हो, तो इसको हम डिटेल आगे बताएंगे। अब अगर आप इसको स्प्लिट करोगे इस मिडिल टर्म को तो आएगा ये आया स्टूडेंट, आप करके देख लेना, इसको हम पहले भी बताए होंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अब यहाँ देखो ग्रुप फैक्टराइजेशन, ग्रुप फैक्टराइजेशन करोगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एन ले लिए इसमें, इसमें एन को 36 कॉमन लिया जा सकता है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या, तो एन प्लस 337 और इधर हो गया n माइनस वन। अब देखेंगे n प्लस 337 इज इक्वल टू जीरो और n माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहां देखो ये निगेटिव में चला जाएगा तो ये रिजेक्ट कर देंगे स्टूडेंट, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है टाइम, ओके। अब यहां क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 36 और n क्या था स्टूडेंट, नंबर ऑफ मंथ्स, तो यहां पर 36 मंथ्स हो गया, मंथ्स में आपको नहीं छोड़ना है, आप क्या लिख दोगे, 3 ईयर, ओके। तो यहां हम देखें कि अगर टाइम निकालना था तो बस कूल माइंड होकर के जो गिवन कंडीशन था उसको लिखे और लिख कर करके सिंपली सॉल्व करते चले गए। यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट करने में ध्यान देना होगा और नेगेटिव कभी भी नहीं होता है तो ये रिजेक्ट हो गया। अब और देखते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, कैटरीना ओपन द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी टाइम कितना है स्टूडेंट, 2 ईयर, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा हमारा 24 मंथ्स। कैसे होगा हम बताएं आपको कि ईयर को मंथ्स में चेंज करना होता है, इफ द बैंक पेज इन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, यानी रेट परसेंट कितना है 6%, ओके, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट 1000, तो फाइंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, तो इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी कितने बार हम रिवीजन कर चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं, इंटरेस्ट पी एन एन प्लस वन हो गया। अब यहां पर देखो पी मतलब मंथली डिपॉजिटेड अमाउंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा कितना था 1000, एन आपको कितना है 24, और 24 प्लस 1 25, 2 × 12, रेट आपको दिया हुआ है 6। अब यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां हो जाएगा कितना स्टूडेंट, यहां 2020 कैंसिल हो गया, तो यहां आप देखो कितना आसानी से निकल गया बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए, जो टॉपिक है जो गिवन है उसको लिख लिए और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपली आप उस पे वैल्यू पुट किए, ये 1500 हमारा आ गया इंटरेस्ट, है ना, तो 2 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना आया 1500। अब क्या है मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए आपको बताए हैं, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, टोटल जितना जमा किए और प्लस इंटरेस्ट, तो कितना जमा किए हैं पर मंथली डिपॉजिट कितना है 1000, नंबर ऑफ मंथ्स कितना है स्टूडेंट 24, और प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप निकाल चुके हो 1500, इसको सॉल्व कर लीजिए,
ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए कितना सिंपल था, और स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो अभी हम 3 एग्जांपल आपको डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट वाला भी जो था बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला भी आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और सेकेंड वाला में टाइम निकालना था। तो कैसे टाइम निकाला जाता है इसके लिए हम आपको अलग अलग तरीके का तीनों क्वेश्चन बताए। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से बनाइएगा। कहीं आपको दिक्कत लगे, कहीं आपको लगे कि हमें आपके का सजेशन का जरूरत है या किसी तरह का एडवाइस का जरूरत है, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में इसको डाल देना।